नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम नक्षत्र में और मैं हूं आपके साथ दीपा बाफिला। आए दिन होते रहते हैं घर में जीवन साथी के साथ विवाद, हमेशा होता रहता है झगड़ा, क्यों नहीं बन रहा आपस में तालमेल, इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हर बार की तरह आचार्य राजीव शुक्ला जी मौजूद हैं। गुरु जी आपका बहुत बहुत स्वागत। भारत समाचार के सभी दिग्गज दर्शकों को प्रणाम। रक्षा रक्षा गणाधिक्ष रक्षा त्रिलोक रक्षका भक्ता नाम भयम करता ताता भगवान मात द्वय मातर कृपा सिंधु शरण मातर आगे जो प्रभु वरद स्तंभर देहिं वांछित वांछितार्थ वांछित पदार्थ प्राप्त करने के लिए और अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि लाने के लिए नए नए आयाम नए नए उपाय और गूढ़ा अति गूढ़ा जो भी गूढ़ से गूढ़ अर्थ है उनको बहुत ही आसानी से समझाने का प्रयास करना और ज्योतिष के क्लिष्ट शास्त्र को आसानी से समझाने का प्रयास करना, जो भी ज्ञान हमारे पास है आप सभी की समस्याओं को दूर करने में सादर उपलब्ध है। अब चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। गुरु जी आपको बताएंगे कि आखिर क्या कहता है आज का पंचांग। दिनांक 20 फरवरी 2019 प्रतिपदा तिथि का मान यानी प्रथम तिथि नक्षत्र सूर्योदय कालिक मघा तदुपरांत दिन मान और रात्रि मान में पूर्वा फाल्गुनी यानी केतु के नक्षत्र से होता हुए शुक्र के नक्षत्र पे चंद्र का गोचर सिंह राशि पे होता हुआ फाल्गुन मास और कृष्ण पक्ष की प्रथम तिथि यानी माघ से फाल्गुन का मास प्रारंभ। राहु काल 12:20 से 1:45 से दुआ है। शुभ समय 10:10 से 12:34 प्रातः कालिक से दुआ है। समाचार के सभी दर्शकों को आज के दिन मान दिवस पंचांग की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब चलिए अब जानते हैं राशियों का हाल। मेष से लेकर मीन राशियों के जातकों को आज क्या कुछ करना होगा, क्या कुछ नहीं करना होगा, उनके लिए क्या कुछ खास उपाय होंगे, गुरु जी आपको बताएंगे आज का राशिफल। दिन को सुव्यवस्थित करना सभी का दायित्व होता है और अपने जीवन को अच्छे से बनाना। मेष राशि से शुरू करते हैं। मेष राशि वालों विवाद से आज बचे अपने, क्योंकि कुछ विवाद हो सकते हैं। अच्छी बात यह रहेगी आज सुख का वातावरण बना रहेगा, धन का आगमन होगा, शुभता का कार्य कर ले, बहते हुए जल में नारियल का प्रवाह करना बहुत ही अच्छा रहेगा। शुभ अंक राहु प्रदत्त अंक 4 मान के चले। आज क्या नहीं करना है, वाहन की खरीदी या वाहन के रख रखाव से संबंधित कोई भी कार्य आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है, इसलिए उसको आज ना करें। अब हम बात करते हैं दूसरी राशि वृषभ राशि की। शिक्षा में सफलता मिलती हुई दिख रही है वृषभ राशि के जातकों को। स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहने वाला है, तो आज का दिन मान और रात्रि मान और आने वाला समय सुखद कहा जा सकता है। कोई बड़ी समस्या नहीं उत्पन्न होगी। शुभ कार्य करें शुक्र का, शुक्र की उच्च की राशि चंद्र की, श्री सूक्त का पाठ करना बहुत ही अच्छा रहेगा, नितांत आवश्यक रहेगा। और शुभ अंक केतु प्रदत्त अंक 7 का आज आप उपयोग करें। क्या नहीं करना है, वाद विवाद की स्थितियां बहुत ज्यादा किन्हीं किन्हीं विशेष परिस्थितियों पर टालना नितांत आवश्यक हो जाता है, तो किसी से वाद विवाद की स्थिति आने से पहले ही उससे बचें, ये सबसे अच्छा रहता है स्वास्थ्य की दृष्टि से भी। मिथुन राशि की हम बात करें, तीसरी राशि, कार्यों में सफलता मिलती हुई दिख रही है और ये आपके भौतिक कार्य और आध्यात्मिक दोनों हैं। स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्वास्थ्य अच्छा तो सब अच्छा, आप भला तो जग भला, आपका स्वास्थ्य अच्छा तो सब अच्छा, ये आज का सूत्र मिथुन राशि वाले भूलने नहीं चाहिए ये बात। क्या करना है, अन्नदानम श्रेष्ठ दानम अक्सर बोलते हैं, किसी विष्णु जी के मंदिर जाएं और अन्न का दान करें, बहुत अच्छा रहेगा। शुभ अंक आपका 1, सूर्य प्रदत्त अंक 1 आपके लाभ देने के लिए और लाभ के साथ साथ आपके अवांछित मानसिक पीड़ाओं को दूर करने के लिए भी इस अंक का सहारा लीजिए। क्या नहीं करना है, वस्त्र आपके पास जो हो उसी से काम अभी चलाएं, नए वस्त्र खरीदने से थोड़ा आज शुक्र प्रदत्त नेष्ट शक्तियां आपके ऊपर हावी हो सकती है, जिससे कि संध्या काल में आपका मन विचलित हो सकता है। किस कार्य को करने का क्या प्रभाव पड़ता है इसीलिए मना किया जाते हैं, कई कार्य ऐसे होते हैं जो दिन के हिसाब से मना होते हैं,
अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि चंद्र की राशि और गुरु के उच्चत्व की प्राप्ति यानी धन की प्राप्ति होगी गुरु की कृपा से। व्यवसाय में प्रगति होगी गुरु की कृपा से। बहुत ही अच्छा कार्य है और इसमें कर्क राशि वालों को जरूर कुछ बातें ध्यान रखना चाहिए कि अपना जो नियमित आचार विचार आहार इत्यादि है उससे अभी भटकेंगे नहीं, उसी में रहेंगे। बहुत ही अच्छी बात रहेगी कि यदि वैसे तो मासिक कुछ अलग अलग दान होते हैं लेकिन विशेष रूप से आपके लिए आज का दान कंबल का दान निकला है। शुभ अंक आपके लिए 9 मंगल प्रदत्तन। क्या नहीं करना है कर्क राशि वाले, वैसे जरूरत नहीं पड़ती है इस राशि को कभी भी कर्ज इत्यादि लेने की, ये विशेष बात है। लेकिन यदि जरूरत पड़े तो कम से कम आज उसको आप अवॉइड करें या आप ना लें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और इस प्रकार से अगर आप काम करते हैं तो आगे आने वाले समय में वित्तीय संभावनाएं आपकी फलीभूत हो सकती हैं, ये जरूर ध्यान रखेंगे कर्क राशि वालों के लिए। वित्तीय उछाल जीवन में आने वाला है तो पहले से आप उस चीज के प्रति सतर्क हो जाइए। कर्ज ना लेने की सलाह दी जाती है आज कर्क राशि को। अब हम बात करते हैं सूर्य प्रदत्त राशि सिंह राशि। धार्मिक धर्म कर्म और धर्म से जुड़े हुए कार्य करने से आपको देखिए क्या लाभ होगा, अधिकारियों का सहयोग मिलेगा अगर धर्म से जुड़े हुए कार्य करेंगे तो। ये दोनों ही बातें आपस में जुड़ी हुई हैं। शुभ कार्य करेंगे तो अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा और अन्यथा सहयोग वैसे भी प्राप्त होगा, कुछ कम मात्रा में हो सकता है। कई सारी गलतफहमियां भी दूर हो सकती हैं। भ्रम की स्थिति जो आपके दिमाग में थी वो भी अब कुछ कम होती हुई दिख रही है। सीधे सीधे पता चल रहा है कि किसके प्रति विश्वास पात्र बने रहें किसके प्रति ना। बड़ों का आशीर्वाद लेना, आपसे जो वरिष्ठ है, और बड़े केवल उम्र में ही नहीं होते हैं, अनुभव में भी ज्ञान के क्षेत्र में भी अलग अलग प्रकार से होते हैं। आज का जो अंक है सिंह राशि वालों का, मानसिक पीड़ाओं को दूर करने के लिए या किसी विशेष लाभ को प्राप्त करने के लिए, विशेष रूप से यदि वाहन इत्यादि खरीद रहे हैं तो 4 अंक का प्रयोग यदि करेंगे नंबर इत्यादि में तो अच्छा रहने वाला है। आगे आने वाले समय में कुछ अच्छे कार्य बनते हुए योगादि योग भी दिख रहे हैं। विदेशों से संबंधित भी अच्छे प्रभाव मिलते हुए दिख रहे हैं। सिंह राशि का ये प्रभाव आज देखा जा रहा है। सिंह राशि सूर्य का प्रभाव और सूर्य देव की पूर्ण दृष्टि इसी राशि के ऊपर आनंद देती हुई, ये जरूर ध्यान रखें कि यदि कोई रूपरेखा बना ली हो तो आप मुहूर्त अनुसार ही या किसी विशेष समय पे ही कोई मांगलिक कार्य, धर्म से भी जुड़ा हुआ मांगलिक कार्य आप करें। जल्दी करेंगे ही करेंगे आप, लेकिन आज उसकी कोई कार्य आज ना करें। योजना बना सकते हैं, उसमें आने वाली व्यवस्थाओं से जोड़ सकते हैं, लेकिन मांगलिक कार्य स्वयं से आज करने के लिए थोड़ा सा अन्य लोगों को करने दें, स्वयं से आगे आके ना करें। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों, ऑफिस में, पराक्रम क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में आपको अच्छे और कठिन परिश्रम का एक दौर सामना करना पड़ेगा। कुछ आपसे परिश्रम अधिक जो आप करते आए उससे अधिक करने की बारी आएगी, लेकिन अच्छी बात यह है कि जब आप परिश्रम करेंगे तो नए मित्रों का सहयोग भी मिलेगा, नए मित्र भी बनेंगे आपके, अच्छे प्रकार से आपके अंदर जो ऊर्जाएं हैं वो संचालित भी होंगी, अच्छा सहयोग भी प्राप्त होगा। क्या करना है, केवल और केवल वाणी पर नियंत्रण रखना है। भावों को अपने व्यक्त करते समय थोड़ा उत्तेजना से भी बचना है। ये दो कार्य आपको करने हैं। यदि ये दो कार्य आप करेंगे और शुभ अंक आज का याद रखेंगे 5, तो बुध से संबंधित, बुध और गुरु से ही वाणी का और वाणी की कृपा
ये प्राप्त होती हुई दिखेगी कन्या राशि वालों को। आज कन्या राशि वालों को ये जरूर ध्यान रखना है कि नए या किसी भी प्रकार के उत्तम आभूषण इत्यादि यदि आज ये खरीदेंगे तो आगे चल के कुछ इनको इन्हीं आभूषणों को चोरी या खो जाने का खतरा बना रहेगा। इसलिए ये सलाह दी जाती है कि आज कन्या राशि वाले इस पे अपना पैसा ना लगाएं या आप इसके ऊपर व्यय ना करें तो बहुत ही अच्छा एक प्रभाव बनता हुआ दिख रहा है कन्या राशि वालों को। ये एक प्रभाव आज के दिन मघा पे और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के प्रभाव पे केतु और केतु के साथ शुक्र का प्रभाव। तुला राशि वालों, शुक्र की मूल त्रिकोण राशि है पहले तो ये जान लीजिए। आर्थिक स्थिति आपकी थोड़ा सा मंगल के कारण बिगड़ सकती है और अनियंत्रित हो सकते हैं आपके खर्चे, कुछ व्यय भाव आपका बिगड़ा हुआ है। आर्थिक स्थिति अत्यधिक खर्चों से ही बिगड़ने के योगादि योग दिख रहे हैं तो आप उसके ऊपर नियंत्रण रखें। शेष सारे रुके हुए कार्य उत्तमता की प्रगति भी पकड़ेंगे क्योंकि ये खर्चे आपके अनियंत्रित हो सकते हैं लेकिन अवांछित नहीं है, यानी जरूरत वाले और जरूरत पे होने वाले ही ये खर्चे हैं। थोड़ी सी आर्थिक स्थिति डावाडोल हो सकती है। आपको आज रुद्र मंत्र और इसके साथ साथ पंचाक्षरी मंत्र ये बोलते हुए शिव उपासना ये करनी चाहिए क्योंकि आज के दिन तीन नंबर यानी गुरु बृहस्पति प्रदत्त तीन नंबर ये आपको सिद्ध करना है, शिव जी की उपासना करते रहना है और बाकी कोई विशेष कार्य आपका जो बहुत समय से अटका हुआ है वो भी होने के लिए ये आपके लिए बहुत ही अच्छा एक समय दिख रहा है। शिव जी की उपासना करें और शुभ अंक तीन का प्रमाण मान के चलेंगे। तुला राशि वालों को ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि अभी सूर्य का प्रभाव यानी पंचम भाव और भाग्य भाव पे भी दिखता हुआ दिख रहा है। यात्रा कारक जो प्रभाव है तुला राशि पे वो जरूर ध्यान रखेंगे, पूर्व की दिशा की ओर यात्रा करना निषेध है। फलित बताते समय सारी ही राशियों को ये बताना जरूरी होता है कि ऐसा अगर बोला जा रहा है तो क्यों, ज्यादातर ये नहीं बताया जाता है कि अगर ये राशि फल है तो उसका क्या मतलब होता है। हम बताते हैं कि अगर ये है तो इसका क्या तात्पर्य है। संतान का सुख मिलेगा वृश्चिक राशि वालों को और छात्रों को नए अवसर और ये अवसर उनके अनुकूल अवसर, प्रतिकूल नहीं, अवसर तो बहुत सारे मिलते हैं लेकिन ऐसे अवसर जो आप तुरंत अपने हस्तगत यानी तुरंत उसके ऊपर आप अपना प्रभाव बना लें। संतान सुख मिलेगा, संतान सुख क्योंकि शनि देव की कृपा जब होती है कुटुंब भाव ग्रस्त यानी कुटुंब के हिसाब से चलते तो निश्चित रूप से संतान का सुख और इसके साथ साथ पढ़ाई लिखाई ज्ञान के अर्जन में भी लाभ हो रहा है। आपको मसूर की दाल का दान करना क्योंकि मंगल प्रदत्त और सूर्य प्रदत्त राशियां होती हैं और मसूर की दाल में इन्हीं प्रकार के अवयव होते हैं। शुभ अंक आज बड़ा ही मायावी नंबर, मायावी अंक शनिदेव प्रदत्त अंक शुभ 8। आज वृश्चिक राशि वालों को ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि न्यायिक सलाह ना लें। ये क्यों कहा गया है, क्योंकि यदि आप न्यायालय या न्यायिक संबंधी लोगों से बातचीत करेंगे तो निश्चित रूप से कुछ ऐसी भी स्वयं से कुछ एक वाद विवाद शुरू कर सकते हैं जिसकी जरूरत अभी नहीं है। अब हम बात करते हैं धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों, गुरुदेव की राशि है ये तो मान सम्मान आपका और सुख सुविधाएं बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। इसमें शुभ कार्य करने के लिए शनिदेव की राशियां पराक्रम बढ़ाती हैं आपके लिए तो काले वस्त्र का दान करने से पराक्रम और कोष में वृद्धि होगी, ये तो निश्चित है। शुभ अंक
साथ। अभी धनु राशि वालों को ये बताया गया है और ये जिसको कहते हैं अंकित किया गया है कि लंबी यात्राएं दूरी की न करें। मकर राशि वालों को मन की हर्षित होना और मन के हर्षित होने से साथ के साथ शुभ समाचारों की प्राप्ति होना, ये दोनों ही बातें देखी जा रही हैं। हनुमान जी की उपासना करना, ओम हं हनुमते नमः, ओम हं हनुमते रुद्रात्मकाय हुं फट, ये भी बोल सकते हैं साथ के साथ शुभ अंक 2 का प्रभाव लेके चलेंगे। लोहे का सामान, लौह धातु, चाहे छोटी सी पिन हो चाहे बड़ी कोई चीज हो, किसी अन्य के माध्यम से खरीदवा लीजिए, स्वयं से ना खरीदिए। कुंभ राशि वालों, मानसिक तनाव आपको थोड़ा सा घेर सकता है, कुछ बातों को लेके सजग रहना आपको चाहिए। और शनि मंत्र का जाप, क्योंकि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि है, ओम शन शनिश्चराय नमः, कोई भी एक छोटा मंत्र ले ले और 9 नंबर का ध्यान रखें। आज कोई भी फलदार वृक्ष पौधा लगाने के लिए कल का दिन आपके लिए शुभ है, आज थोड़ा सा इससे निकलेंगे। मीन राशि वालों, अधिकारियों को सफलता मिलती हुई दिख रही है और यदि अधिकारी नहीं है तो भी रुका हुआ कोई कार्य आपका जो काफ़ी समय से स्टैग्नेट था, यानी रुका हुआ था, स्थिर था, वो आपका कार्य होने की तरफ बढ़ रहा है। आपके लिए भी अन्न का दान करना बहुत ही अच्छा रहेगा, श्रेष्ठ रहेगा। किसी भी प्रकार से खाद्य पदार्थ कह सकते हैं, इसको अन्न कह सकते हैं, पका हुआ बिना पका हुआ कैसा भी आप ये करेंगे तो अच्छा रहेगा। शुभ अंक आपके लिए 8, यानी शनिदेव का अंक आपके लिए 8 घोषित हुआ है। नए व्यापार का विचार अभी ना बनाएं, पुराने पे ही कार्य करें। तो दर्शकों, मेष से मीन से मेष पर्यंत सारी राशियां बहुत आराम से समझा आपने, अपने लिए भी समझिए और हर रोज अपने अपनों के लिए भी समझिए, थोड़ा समय दीजिए और तब आप देखेंगे धीरे धीरे चमत्कार होगा। बिल्कुल, तो 12 राशियों की बात हमने कर ली, आज उनको क्या करना होगा क्या नहीं करना होगा गुरुजी ने खास उपाय भी आपको बता दिए। लेकिन अब बात करते हैं कि वैवाहिक जीवन में अगर तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, अगर झगड़ा होता है, आए दिन विवाद होते हैं, तो उसे कैसे दूर करें और अपनी जिंदगी को, वैवाहिक जीवन को कैसे खुशहाल बनाएं, ये गुरुजी आपको बताएंगे। वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य और उसमें अक्सर कलेश होता है, खुशियां तो अपार आती हैं लेकिन अलग अलग प्रकार की विचारधाराओं का जब एकीकरण होता है तो कभी कभी, और ये आम बात है, इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं होती है, झगड़े झंझट ये सब चीजें होती हैं, ये तो आम बात है, लेकिन कलह यदि बहुत लंबे समय तक चल जाता है तो बड़ा ही दुखद वैवाहिक विच्छेदन भी होता हुआ या किसी अन्य कारण से देखा गया है। घर में अगर नकारात्मकता है, सर्वप्रथम तो जब भी कभी वधू प्रवेश होता है तो गृह प्रवेश भी उसी को मान लेना चाहिए, और इसीलिए विशेष रूप से देखा गया है कि वास्तु को ठीक करने के लिए, उस घर की नकारात्मकता को दूर करने के लिए आरती इत्यादि लेने की बात भी होती है, और साथ के साथ चावल का एक ढेरी आपको अच्छे प्रकार से जीवन यापन करने के लिए, सबसे पहले जान के चलिए कि सूर्यदेव का प्रकाश जीवन में बहुत जरूरी है, सूर्योदय के आसपास उठने की परंपरा, और ये भी है किसी भी शिव मंदिर में जाके शिवलिंग पे जल चढ़ाने की परंपरा, ये भी बहुत अच्छी है। एक छोटा सा उपाय और है, सिंदूर के डिब्बे में गोमती चक्र आते हैं, उसको रख ले और उसको डिब्बी में रखने से भी शांति प्राप्त होती है। विवाहित जोड़े यदि है तो सूर्यदेव को, सूर्य हिरण्यगर्भ, इनको प्रतिदिन जल अर्पण करना बहुत अच्छा रहेगा। भगवान विष्णु को मिठाई का, कुछ मीठा, पीले रंग की मिठाई का भोग यदि आप लगाते हैं तो आप देखेंगे गुरु बृहस्पति के साथ साथ आपका दाम्पत्य भी अच्छा रहेगा। थोड़ा सा खान पान की अगर हम बात करें, आयुर्वेद का ज्योतिष में बहुत सम्मिलन है, किशमिश का दूध यदि आप सेवन करते हैं इससे भी आपके अंदर शुक्र से संबंधित और चंद्र से संबंधित प्रभाव अच्छा मिलता है। घर में अगर समुद्री नमक जिसको बोलते हैं उसका आप डाल के पोछा लगवाते हैं, बहुत अच्छा रहता है, इससे ग्रह के, घर के
वास्तु दोष शांत होने के साथ साथ शांति भी मिलती है और कलह प्रिय वातावरण जहां होता है वहां पे भी अब कलह प्रिय वातावरण नहीं रह जाता है। दाम्पत्य शुक्र के यानी कारकता अगर देखी जाए तो शुक्र और गुरु की कारकता दिखती है दाम्पत्य सुख के लिए। चंद्र और राहु की भी प्रधानता देखी गई है, लेकिन अगर हम प्रमुख रूप से दाम्पत्य सुखों की बात ज्योतिषीय आधार पर आपको बताएं तो निश्चित रूप से शुक्र का प्रभाव अगर देखा जाता है तो जिनकी भी कुंडली में शुक्र का प्रभाव अच्छा होता है या शुक्र संबंधित कार्य क्षेत्रों में जिनकी रुचि होती है उनका दाम्पत्य और गुरु भी, गुरु बृहस्पति देव को मनाना बहुत जरूरी होता है, चंद्र और राहु भी होते हैं। तो ये ग्रहों का प्रभाव और ग्रहों के साथ साथ छोटे छोटे उपाय जो आपके जीवन में आपके दाम्पत्य सुख को बढ़ाएंगे। बिल्कुल, अगर ये उपाय आप अपनाते हैं तो निश्चित ही आपको भी लाभ मिलेगा और जिंदगी खुशहाल होगी। अब बात कॉलर्स के कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं रविंद्र उन्नाव से। रविंद्र जी अपना सवाल पूछिए। हेलो जी, अपना सवाल पूछिए। पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम, प्रसन्न रहिए, आशीर्वाद। पंडित जी पूछना चाहते हैं कि व्यापार करना चाह रहे हैं, लाभप्रद रहेगा या हानिकारक रहेगा? आपने जो प्रश्न किया है और इस समय के हिसाब से आपने कारोबारी सफलता के लिए आपने एक चीज पूछी हुई है, इसमें एक चीज जरूर ध्यान रखिए, कारोबार आपको सफलता तो देगा लेकिन एक कार्य जरूर कर लीजिएगा, उसी प्रकार का मिलता जुलता कारोबार यदि कोई कर रहा हो और वहाँ की कोई पुरानी आपको उस जगह की कुर्सी इत्यादि या वहाँ की कोई एक वस्तु ऐसी मिल जाए जो आप अपने कार्यालय या आप प्रतिष्ठान इत्यादि पे रख सकते हैं तो ये किसी भी शनिवार को ले आइए और उसके पावे में यदि कुर्सी मिल जाती है तो चांदी की कील जरूर ठोक दें और दीवार पे जहाँ भी आपका प्रतिष्ठान है वहाँ पे ह्रीम लिख दें। ये दो तीन चीजें करनी पड़ेंगी लेकिन इसका बड़ा ही अनुकूल प्रभाव पड़ेगा, व्यापारिक दृष्टिकोण से आपका अच्छा विचार भी है, व्यवहार भी है और ज्ञान। और अब अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं गाजियाबाद से शिवा। शिवा जी अपना सवाल पूछिए। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार, प्रसन्न रहिए, आशीर्वाद। मेरे पति का 2 साल से जॉब छूट गया पंडित जी, कब तक जॉब लगने की उम्मीद है या कोई नई बिजनेस करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा पंडित जी, कोई रास्ता दिखाइए। देखिए इसमें एक चीज समझ लीजिए कि ध्यान दीजिएगा, कभी कभी क्या होता है कि अचानक काम चलते चलते महीने के 3 से 4 दिन ऐसे होते हैं जो आपके पति के थोड़े से डिस्टर्ब हो जाते हैं ज्यादा ही। दूसरी बात यह है सोमवार का प्रभाव आपके पति की और बोली गई शाब्दिक कुंडली पे अच्छा नहीं दिख रहा है, यानी कि सोमवार को विशेष रूप से कोई या एकदम से कोई बहुत बढ़िया काम बन जाता है या एकदम से कोई बहुत अच्छा काम बनते बनते रुक जाता है, यानी बाधक अगर हम बात करें सोम चंद्र रूपी। अब आप एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि थोड़ा सा इनका कार्य बनने में अभी 3रे हफ्ते से काम इनका अच्छा चालू हो जाएगा और मार्च के बाद अप्रैल से इनको कुछ नए रास्ते जरूर जरूर मिल जाएंगे। चांदी की चेन 7 ले लें, 1 पहन लें, 1 आपको दे दें, बाकी छोटे बच्चों में या बच्चियों में उनको दे दें, इतना करना पड़ेगा। दूसरी बात, काले सफ़ेद वस्त्रों का त्याग करें लेकिन घर में कोई एक जगह कच्चा स्थान जरूर बना के रखें। ये करेंगे तुलसी जी का पौधा लगाएंगे, आपको लाभ होगा। अगली कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी है महाराष्ट्र से बबीता। बबीता जी अपना सवाल पूछिए। गुरु जी राधे राधे। जी राधे राधे, प्रसन्न रहिए। गुरु जी मुझे ये पूछना है कि हम 20 साल पहले शनि सिंगनापुर गए थे तो वहाँ एक टोकरी में एक तांबे के पत्रे में शनि देव की प्रतिमा और शनि यंत्र है और तेल की बोतल दिए थे और एक काली कलर की बावली दिए थे, तो बोले कि शनि तेल, शनि के ऊपर तेल तो हमने चढ़ा दिया था और वो बावली और चांदी पर अपना तांबे के पत्रे के ऊपर जो शनि यंत्र है वो घर में लेके जाओ बोले, लेकिन बहुत से पंडित बोलते हैं कि वो घर में नहीं लाना था शनि का यंत्र और शनि के वो तांबे के पत्रे में वो शनि की मूर्ति वो ये है, तो क्या है, क्या रखना चाहिए या कहाँ रखना चाहिए फिर वो तांबे का पत्रा जी? और आपका प्रश्न ले लिया है, ये एक बहुत ही सामान्य एक बात होती है, अक्सर लोग कहते हैं कि शनिदेव से संबंधित, ये बड़ा अच्छा आपने प्रश्न किया है और भी दर्शक जान ले, शनिदेव से संबंधित मूर्ति विग्रह इत्यादि या बड़े चित्र इत्यादि
ये बिल्कुल भी घर में या अनुष्ठान ऐसा मंदिर घर में है जहाँ अनुष्ठान पूर्वक पूजा होती है, वहाँ तो एक अलग बात हो गई, अन्यथा रखने का थोड़ा सा ये मनाही होती है। शनि देव की विग्रह इत्यादि शनि देव के मंदिर में ही होती है। हाँ, शनि यंत्र जरूर आप विशेष परिस्थितियों में, और वो तो कुंडली के हिसाब से बना होगा, डिपेंड करेगा, आप अपने प्रतिष्ठान इत्यादि में या घर पे भी विशेष परिस्थितियों में लगा सकते हैं, लेकिन जनरली अगर हम बात करें तो ये आपको नहीं लगाना चाहिए। चलिए, कॉलर्स की बात भी हो गई है। आप तमाम जो दर्शक नक्षत्र को देख रहे हैं उनके लिए एक जानकारी हम दे दें कि आप मेल आईडी के जरिए भी आचार्य जी से जुड़ सकते हैं, अपने सवालों का समाधान पा सकते हैं। जो भी सवाल आपके अंदर हैं वो bs.nakshatra@gmail.com ये मेल आईडी हम आपको दे रहे हैं। इस मेल आईडी के जरिए आचार्य राजीव शुक्ला जी से आप पूछ सकते हैं और अपने सवालों का समाधान भी पा सकते हैं। मेल आईडी के साथ ही व्हाट्सएप नंबर भी है 8004036524, इस पर भी आप संपर्क करिए, आचार्य जी से जुड़िए, अपने तमाम सवालों के समाधान आप पा सकते हैं मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर के जरिए। और हमारे दर्शकों तक तमाम जानकारियों को पहुंचाने के लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी के साथ ही हमारे खास कार्यक्रम नक्षत्र में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन बाकी ताजा खबरों के लिए बने रहिए भारत समाचार के साथ। नमस्कार।